नगर निगम के विभिन्न परियोजनाओं की कार्य करने वाली कार्यदायी संस्था CNDS के अधिकारियों के साथ नगर निगम परिसर में स्थित अतिथि गृह में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित किया गया। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा वित्त पोषित बहुप्रतीक्षित चार्जिंग बस स्टेशन, नगर निगम परिसर में बन रहे सदन भवन और देवरिया रोड सिंगड़िया के आसपास बन रहे नाला निर्माण सहित विभिन्न प्रोजेक्टों की समीक्षा किया गया तथा निर्माणाधीन कार्यों को समय से पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा वित्त पोषित विभिन्न प्रोजेक्टों पर कार्यदायी संस्था CNDS द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर समीक्षा बैठक किया गया और जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिया गया है। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी और CNDS अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, ठीक है, सब कुछ उन्होंने तैयार किया और अगर वो ड्रेनेज प्लान के एक्सपर्ट हैं, ये पूरी जो बारिश अभी हुई है, ये पूरा ये के लास्ट ले के घूम के पूरा सही चल रहा है, क्यों नहीं उनकी बिजली यहाँ पर उनको आना चाहिए था पूरा मौके में। जब कोई घटना घटे तब आप देखोगे ना, लोग तब आपको समझ जाएगा कि हमने तो प्राकृतिक कागजों में ड्राइंग सुंदर सुंदर लाल ना कौन नहीं जानता है, टेक्निकल टेक्निकल इतने लोग बैठे हैं, हम सारी चीज़ों को समझ रहे क्योंकि हमने दरबार भी किया, आपको तो देखा पूरा इनका एंड तक इनको देखे सारी चीज़ों को समझ नहीं हो रही है, जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी, ये तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, टाइम तो हम दिया है कही भी है सर, हम तो कह रहे हैं शिक्षक शिक्षा भवन के लिए आएगी आपकी अच्छा दो चार घंटा वो बैठेंगे, रंजन शुक्ला को बुला लीजिए, जब वो यहाँ देखें वो भी आ जाए, पंत साहब को बुला लीजिए, सब लोग बैठ बढ़िया, कितने लाख रुपये खर्च कर दिए होंगे तुमने सर, पंप को चार सारा कुछ मिला भी करके धाम धाम सर 15-20 लाख आराम से खर्च कर दिया होगा, लोग क्या लगे भाई साहब तो वहाँ पर तुम लोग को बहुत दिक्कत है, मैं देख रहा हूँ तो पब्लिक क्या जानते तो मैंने कहा लिखो कल मैं क्यों लिखा कल की मीटिंग मजबूत करे अच्छा ना आपके जो पी एम है ना देखो यार बुरा मत माना आगरा में ऐसी फसल अभी भी है जो सी एम इतना स्मार्ट बंदा है करीब 12 करोड़ रुपये हम लोगों नगर निगम में दिया था इनको माना था अगर खासा उस लोग क्या बोलते सर टेंडर उन्डर सब कर दिए लेकिन जिला डिसाइड नहीं हुआ डॉक्टर से डिसाइड होना था, लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने जो नाला बनवाया है बहुत बढ़िया बनवाया है। सर आज किस संदर्भ में बैठक हुआ है, क्या जिस संदर्भ में आज नगर निगम से जुड़े हुए नगर निगम के द्वारा फंडिंग किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई, जिनका कि निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था के रूप में CNDS के द्वारा किया जा रहा है, जैसे कि मुख्य रूप से इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग स्टेशन, नगर निगम का जो भवन नवनिर्मित भवन है उसका निर्माण, इसी प्रकार के विभिन्न जो प्रोजेक्ट हैं, काना गौशाला में जो नवीनीकरण हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, इससे जुड़े हुए जो तमाम प्रोजेक्ट हैं उन्हीं के संबंध में पूरी विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें मेयर साहब भी मौजूद रहे, CNDS के समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके जो साथ के अन्य अधिकारी थे वो मौजूद थे, हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर साहब भी थे, और इसके साथ साथ जो तुर्रा नाला है सिंगड़िया वाला उसके संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य उद्देश्य ये था कि जो एक टाइमलाइन निश्चित कर दी जाए कि जो टाइमलाइन पहले उन्होंने दिया था अभी कितने समय में वो हमारे सारे काम जो हैं पूरे हो जाएंगे और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी आम जनमानस को लोकार्पित कर सकेंगे, और इसी के साथ समीक्षा करने के पश्चात जो भी कमियाँ थी उनको दूर करने के संबंध में उनको निर्देशित किया गया, साथ ही साथ एक टाइमलाइन निर्धारित की गई कि इस टाइमलाइन के भीतर हर हालत में जो हमारे काम हैं वो पूरे हो जाने चाहिए, कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता के साथ उच्च कोटि की गुणवत्ता के साथ संपन्न होना चाहिए।